हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लेकर आ गए हैं। तो ये जो है काबली छोला है, इसको हमने सारा रात भिंगा के रखा था और फिर इसको हम हल्दी, नमक और साबुत गरम मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी डाल करके इसको हमने कुकर में 3 से 4 सीटी लगा लिया है, कम ही आँच को कम करके। और ये रहा पनीर, 100 ग्राम पनीर है। इसको अभी हम, ये बाज़ार का पनीर है इसलिए इसमें इसको हम धो लिए हैं पहले, और अभी हम इसके अंदर पानी डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसको हम एक उबाल आने तक उबाल लेंगे। इसको उबलने देते हैं हम। ये छोला पनीर का सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, ज़्यादातर शादियों के घर में बनता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये हमने थोड़ी सी इमली ली है, इसको हम गर्म पानी में भिंगा देंगे। ये 2 टमाटर है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये पनीर में एक बॉयल आ चुका है, इसको हम अभी छान लेंगे। छान लिया है पनीर को, इसको हम अभी फ्राई कर लेंगे। ये हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। इसमें हमने इस चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हम इतना जीरा पाउडर डाले हैं और तीखा अपने अनुसार डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें छोला मसाला डाला है और हल्दी डाला है इतना, और क्योंकि छोला में थोड़ा हल्दी डाला हुआ है। और इसका हम अभी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम पनीर को फ्राई कर लेंगे पहले। हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से कड़ा हो जाएगा। डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 1 और जीरा है और सूखी मिर्च है। प्याज डाल देंगे, प्याज को हम गोल्डन भून लेंगे। प्याज भून चुका है, अभी हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और नमक डालेंगे। वैसे चना में नमक डाला हुआ है, इसके अंदाज से डालेंगे हम इसमें। नमक डालने से टमाटर छिपकेगा नहीं, थोड़ा सा भून जाएगा, फिर हम मसाला डालेंगे। हम मसाले के पेस्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दिए थे जिससे कि मसालों में चमक आ जाता है। मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हमें अगर थोड़ा सा पानी का ज़रूरत पड़ेगा तो हम जो उबला हुआ चना का जो पानी निखार के हम रखे थे उसको हम डाल के भूनेंगे। मसाले जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें हम उबला हुआ चना डाल देंगे और फिर भूनेंगे इसको थोड़ी देर। हल्के हाथों से भूनेंगे, चना जो है टूटे नहीं। पनीर को भी डाल देंगे हम इसमें। थोड़ी देर इसको हम भून लेंगे। नमक आप पेस्ट कर लीजिएगा एक बार। चना भुन चुका है, हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे इमली का पल, निकाल के रखे थे हम, और कसूरी मेथी क्रश कर लिया था थोड़ा सा गर्म करके, और थोड़ा पकने देते हैं। जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी रख के हम उतार लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे अभी हम, 1/2 चम्मच हम इतना गरम मसाला इसमें डालेंगे। छोला पनीर बनके तैयार हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे अभी। छोला पनीर बनकर तैयार है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा,
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।